गुलाम अब्बास रतन साहब भाजन कंबल ही फड़े कल ही लेट तो हो गया मेहरबानी साहब ठीक हो गया बस दुए ब्रय हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलीयकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सा'अति व फी कुल्लि सा'अति मिन सा'अति लैलि व नहार वलियं व हाफिज़ं व क़ाइदं व नासिरं व दलीलं व आइनं अत्ताओ तुस्के न हु अर्ज़कातौरन व तुमत्तेहु फीहा तवीलन या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजिल फरजा मोहम्मद दुआ है तुसा तमाम मोमिनीन दा टोराया मोमनात मावां भैणां बेटियां दा टोराया बानियान दी पुरखलूस मेहनत सफ़े मातम विछाई असा जाकरीन दी पढ़ाई मुर्शदादी अपनी बारगज कबूलो मंजूर फरमा इस जिक्र दा सदका जो जो मोमिनीन मोमनात बीमार मौला शिफाए कुली अता जिक्र दा सदका जो बेगुनाह कैद न मौला कैद तो रही फरमा जिक्र दा सदका जो बे औलादन मौला औलाद नरीना ता फरमा जिक्र दा सदका मालिक इस नाजुक दौर च हर मोमन दी इज्जत नू महफूज फरमा जिक्र दा सदका मालिक इमाम जमाना दे ज़हूर च ताजीर फरमा सारियां दुआवां दी कबूलियत वास्ते खंदा पेशानी नाल सलवात वसदे रहन या अली कहन वाले ओ जाई वसन ओ घर वसन जिथे पंजा बारह चौदह का जिक्र होता मरहूमा दे साले सवाब दे मजलस का एहतमाम इस वास्ते थोड़ा जा जनाबे सैयदा पढ़ना चाहना इतों शुरू कर लेने के बतूल किस नुआते पहला लफ्ज फजाइल दा मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों सादात उजाम बतूल उस बीबी नू आदन जिंदा वास्ता अल्लाह दे दरबार चों रद्द ना हो सके माशाल्लाह लफ्ज़ भी बहुत अच्छा है और जनाब दा मयार समात उस तो भी ज़्यादा अच्छा है पहला लफ्ज मैं आके बतूल उस बीबी नू आदन जिंदा वास्ता अल्लाह दे दरबार चों रद्द ना हो सके सोना सुने इस तो वड्डा लफ्ज आखदा बतूल उस बीबी नू आदन जेंदी हिक चादर पूरी उम्मत दे गुनाह ते अबरे रहमत बन जाए माशाल्लाह
पहला लफ्ज ही कमाल सुने, अगला उस तो भी ज़्यादा कमाल सुने। पहले लफ्ज मैं बतूल उस बीबी नू आदन जैंदा वास्ता अल्लाह के दरबार चो रद्द ना हो सके सोना सुने। अगला लफ्ज मैं आख्या बतूल उस बीबी नू आदन जैंदी एक चादर पूरी उम्मत दे गुनाह ते अबरे रहमत बन जाए। उस तो भी ज़्यादा खूबसूरती दे नाल जनाब ने समात फरमाया। हुण जिहड़े लफ्ज आखन लगा इन्हां तो वड्डे है नहीं कोई नहीं, याद भी कोई नहीं। कुरान पाक दी जबान च बतूल उस बीबी नू आदन जिहड़ी साल दे 365 दिन हर दिन रात दे 8 पार हर पार दे 3 घंटे हर घंटे दे 60 मिनट हर मिनट दे 60 सैकेंड हर सैकेंड दे करोड़वें हिस्से चों भी अल्लाह दे कानून दे मुताबक इबादत तो रोकी ना जाए। जिंदा एक लम्हा भी इबादत तो बगैर ना हो। उस ताहिरा मुताहिरा बीबी नू बतूल आ दे। एक लफ्ज़ आ गया छोटा जिहा ज़हन च बुज़ुर्गों का पढ़िया होया। बुज़ुर्ग पढ़ते होंदे हन कि मेरा ख्याल है इस तो वड्डा लफ्ज़ होर है भी नहीं है। भाई कमाल है फजीलत का जुमला बीबी पाक दे। बुज़ुर्गों आख्या कि बतूल उस बीबी नू आदन जिन्हू नमाज पढ़न वास्ते वजू की जरूरत ना हो। उस ताहिरा मुताहिरा बीबी नू बतूल आदन एक एक लफ्ज से बहसे चलो इंदी थोड़ी जी हमें तौजी कर दिने। मैं क्या ताहिरा मुताहिरा कोई दसन की जरूरत नहीं। माशाल्लाह पढ़े लिखे है बाप दोस्त ताहिर उसनू आदन जड़ा पाक हो। ताहिर माना पाक। ताहिर उसनू आदन जिहड़ा पाक होवे। मुताहिर उसनू आदन जिहड़ा पाक भी होवे ते पाक करन दी ताकत भी रखदा होवे। मैं बीबी का तारफ करवा रहा ताहिरा मुताहिरा। पर मिसालां तो बहुत सारियां। चलो एक झटकी जी मिसाल दिना। ऐ दुध जिहड़ा है ना ताहिर है। दुध पाक है। जिहड़े हैरान हो गए और दुध नहीं वेख्या जिहदी चाह बनदी। दुध जिहड़ा है ताहिर ते ताहिर माना। अच्छा ये कन्फर्म है पक्की गल है कि दुध पाक है। सारे बोलो पाक है। तो वो वजू क्यों नहीं करते। पाक है मालूम होया पाक है। पाक करन दी ताकत नहीं रखता। इंदे मुकाबले च पानी वो ताहिर भी है। मैं जनाब सैयदा दी तशबीह दी है पानी नाल आप भी ताहिर है। आप भी पाक है ते पाक करन दी ताकत। चार मिसरे तुहाडी नज़र करा बुजुर्गों दे के कोई शरीफ किसी शरीफ को तोहफा दे वो लाजमन उसे करने वसूल उठता है। उठता है ये ते गौर उठता है रदीफ है। कोई शरीफ किसी शरीफ को तोहफा दे वो लाजमन उसे करने वसूल उठता है। नबी के पास ये तोहफा है ज़ाहरा खालिक का जब ही तो दे के उसको रसूल उठता है। चलो चार मिसरे तकल्लम साहब दे मेरे सामने आ गए। मीर तकल्लम साहब दे मीर तकल्लम मैं याद होवे सही मैनू पता होवे सही मैं जेड़े कोई शायर दा कलाम पढ़ा कुछ मिसरे पढ़ा मैं नाम लैके पढ़दा। ऐ मैं कदी नहीं आख्या मैं हुणे मुसल्ले ते लेके लिया।
मैं बहुत डरदा, मैं जिन्नी बारी मैंबर ते झूठ मारिया मैं फड़िया गया मौला दी कसम। जिन्नी बारी मैंबर ते मैं आख्या मैं झूठ मारिया अपना ना ला के फड़िया गया, फड़न तो मुराद किसी ना किसी मुसीबत मैं छड़ दिता है। अजकल मैसा लाइफ चलती है इस जुमले ते दाद बनती है, चलो किसी होर नू भी हदायत आ जाए है। एक पासे असी जाकराने जरा मिंबर है हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की कबर की छवि है, तो फिर हौसले ले बंदे ने ना जेड़े मौला की कबर ते खलो के भी झूठ मार जाते हैं। असी कोई मासूम नहीं है, कोई वली नहीं है, डरते पर कम अज कम जगह जरूर वेखनी है पैंदी। यह जड़ी जगह है इमाम हुसैन बादशाह की कबर की छवि है, यह जरा मिंबर है, मिंबर रसूल है। मैं और पास ना निकल जा, मीर तकल्लम साहब दे चार मिसरे, उन्होंने लिखे कि जब हुर चला था बांध के रुमाले फातिमा, जब हुर चला था बांध के रुमाले फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर, और हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ए हुर हमें खरीद ले रुमाल बेचकर। वाह देर मैं मैसा तो बहुत घट ही पढ़दा भाई का, चलो हुक्म है खुतबे दियाँ कोई दो लाइन पढ़ूंगा, वाह वाह देर हो गई पढ़ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाहिदन नजवा मालिकुल मुल्के वदबरहु तदबीरा सलवा। इस्मत दे चार मिसरे, अल्लाह जिंदगी करे जाकरे अले बैग गुलाम रजा झंडवी साहब। इस्मत दे एक मुल्क दा नहीं पूरे जगदाना जहराए, मैं कसमन आहदा दीन अल्लाह दी शाह रगदाना जहरा। अलैन सुनना जड़ी हाथ है दर्द मुदरी हई
ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਗ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੈਯਦਾਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਆਜਿਜ਼। ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤਮਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਨਾਬੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਇਮਰਾਨ, ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ, ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਬਨੀ ਔਰ ਬਾ ਉਸੂਲ ਬਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਥੀ ਜੋ ਜ਼ੌਜਾ ਰਸੂਲ ਬਨੀ। ਇਹ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਬਨੀ ਔਰ ਬਾ ਉਸੂਲ ਬਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਥੀ ਜੋ ਜ਼ੌਜਾ ਰਸੂਲ ਬਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਲਫਤ ਰਕਮ ਕਰੂੰ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਪਾਕ ਥੀ ਜੋ ਮਾਦਰ ਬਤੂਲ ਬਨੀ। ਉਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਦਾਮਨ ਮੇਂ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਤੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਯਦੁੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਸ਼ਬੀਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਦਾਮਨ ਮੇਂ ਦੋ ਔਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਖਦੀਜਾ ਕਾ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਜੀਦਾਰੀ। ਸਰਮਾਇਆ ਖਦੀਜਾ ਕਾ, ਹੁਣ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤੇ ਨਿਕਾਹ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਤਮੀ ਮਤਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਅਕਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਾ, ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਾ ਬਿੰਤ ਖਵੈਲਦ ਜਦੋਂ ਅਕਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਆਲਾ, ਲਫਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਈਸ, ਚੌਧਰੀ, ਰਾਠ, ਹੈਂ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਮੈਸਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਪਰੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਓ ਫੁਲਾਂ ਇਬਨੇ ਫੁਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ, ਐਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਦੀਜਾ ਬਿੰਤੇ ਖਵੈਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਦੀਜਾ ਜ਼ੌਜਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਤਾਂ 100 ਦੇਣਾ, ਤਾਂ 1000 ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
गल इस मन च आ गई इस वास्ते मैं गलों चो गल निकल दिया कर दी हूँ। बजुर्गों का कसीदा उन्हें लिखा है, आओ ढूंढे जरा सबसे पहली भलाया, आओ ढूंढे जरा सबसे पहली भला, जो जाए रहमते दो जहां कौन है, दीन रखना किसी का अलग बात है, दीन रखना किसी का अलग बात है, दीन इस्लाम की मेहरबा कौन है। पाक मिंबर दी इज्जत दी कसम है, जुर्रत ही नहीं, ताकत ही नहीं, औकात ही नहीं, मैं उस बीबी का तारफ करवावा जड़ी जहरा दी भी माँ हो है। मेरी मजाल लेकिन जो कुछ बुजुर्गों ने लिखी है मैं वो जनाब की नज़र करना चाहना। तारफ बीबी का किसी भी वड्डे बंदे का तारफ रिश्तेदार नाल दा प्यो कौन है, दादा कौन है, नानके कैसे, दादके कैसे, इस बीबी का जेड़ा तारफ बुजुर्गों ने लिखे, जिसका शौहर रसूलों का सरदार है, जिसका दामाद कौसर का मुख्तार है, जो सखावत में इतनी बुलंद हो गई, हर मुसलमान जिसका नमक खार है, हर मुसलमान जिसका नमक खार है, जिसने दौलत से साया किया दीन पर, आओ ढूंढे के वो साहिबा कौन है। न्याजे मौला लो बड़ा शेर, बड़ा शेर जनाब दी नजर करना चाहूं। जाकर जज्बाती हो के आख जाते ने शेर नहीं, बब्बर शेर सुना, बब्बर शेर ओनू ये ही नहीं पता भी शीन वाला शेर होर हुंदा है, शायरी वाला शेर होर हुंदा है। बब्बर शेर मैं कई बार सुने जाकर को बब्बर शेर सुन तो ना मैं कभी बदुआवा दी मजमे मौला दी कसम, जाकर जज्बाती हो के ना जरा नारा ना मारे, अगली गल मैं नहीं आखनी, मैं कभी नहीं किया, मैं तो बल्कि नारा भी हाँ जी जरा नारा ना मारे उन्होंने नारे वाला रंग लावे, एडे पाक मिंबर ते खलोते उन्होंने नारे वाला मारा मारे आके जे कोई फुड़क जाए तो फिर किड्डा वड्डा मैंबर है। बदवावा नहीं देनिया चाहिए। मैं बिस्मिल्ला करा, जाकिर का की काम है बदवावा, जाकिर का काम है तुहाडे हक च दुआ करना, तुहाडे कोल दुआ लैनी। आबाद रहो वसदे रहो। एक बड़ी देर तो पुरानी एक बहस चलती है, कोई आखद सरकार खत्मी मरतबत दियाँ नौ शादियाँ नौ बीवियाँ, कोई याद है ग्यारह, कोई याद है तेरह, आम तुम सुन दो बड़ी पुरानी बहस है, कोई याद है सरकार खत्मी मरतब दियाँ नौ बीवियाँ, कोई याद है ग्यारह, कोई याद है तेरह। अच्छा घट तो घट तादाद नौ, बुजुर्ग घट तो घट नौ। हुण जिन्होंने यह शेर लिखे है उसके घर में ना सोना था ना चांदी, अज दे नौ सहुरे होण ओह गरीब हुंदा है। मैं झटकी जी है गल कीती है, सहुरा तो एक ही नहीं माण, अज दे नौ सहुरे
शुक्र है तुहाडी भी कोई नींद उखड़ी है। अद्धी मजलिस सौं के ही छण छड़ी है। वाह जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। ए जिदिया नौ शाद अजीब अजीब शेर ना, ये कोई सरकार की तारीफ नहीं, खत्मी मरतबदी। कदी साढ़े भी फेरा पा, अशायरी हो रही है, कदी साढ़े भी फेरा पा कमली वालड़िया तो सुतड़ी नू आ के जगा। नबी का पंध वेखो, माई की नौसत वेखो। नहीं मेरा वीर, जिन्हें नौ लिखे उन्हें नौ लिखे, किसी ने ग्यारह लिखे, किसी ने तेरह लिखे, कोई आदा नौ शादियाँ, कोई आदा ग्यारह, कोई आदा तेरह। मेरी इस गल ना कोई गर्ज नहीं, मैं एक सवाल करना चाहूँ। नौ कहो या के ग्यारह कहो, कुछ कहो, तुम घटाते रहो या बढ़ाते रहो, तुम जो चाहो किसी को समझते रहो, तुम जो चाहो किसी को बनाते रहो, तुम जो चाहो किसी को बनाते रहो, एक जगह पर सभी को इकट्ठा करो, फिर बताओ कि ज़हरा की माँ कौन है। एक जगह पर सभी को इकट्ठा करो, एक जगह पर सभी को इकट्ठा करो, फिर बताओ कि ज़हरा की माँ कौन है। लो एक पंजाबी का सुन लो, बाद फिर मैं हुक्म पूरा करा। ए अल्लाह जिंदगी, जरा कसीदा मैं पढ़न लगा, चलो मैं शायर का नाम ले लेना, अल्लाह करे फिर बाद चु बोलते ही रहो। ये मेरा अपना लिखा हुआ। ये तो तुहाडी मेहरबानी है, जे मैं अपना दसिया है तो तुसी पहले वाह वाह जींदा रहे, क्या बात है। ये तुहाडी जरा नवाजी है। मौला इमाम जमाना तुहानू सलामत रखे, मौला जिंदगी च किसी का मोहताज ना। ये शबान च लिखे है तो काफ़ी पजीराई मिली है, काफ़ी दुआवां हासिल कीतियां। चलो मैं तुहाडी नज़र कर दूँ। एवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, 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 एवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा। जग सारा खांदा पिया, जग सारा खांदा पिया सदका हुसैन दा, एवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, एवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, एवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, एवें ते नहीं। एवें तो नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, जग सारा खांदा पिया
सदका हुसैन दा जेड़े बंदे आ दिन मुश्किलां जान नहीं छड़ दी, हर टाइम मुश्किलां च घेरे हैं, उन्हां वास्ते एक मशवरा रतन दे रहे, मशवरा दुनिया दे गमां कोलों जान छुट्टी जावेगी, कमर दुखां दी पल विच टुट जावेगी, हुर वांगू बने आके हुर वांगू बने आके मंगता हुसैन दा ऐवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, ऐवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, ऐवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा, ऐवें ते नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा। लो जी अगले शेर दी बहुत ही कोई लंबी चौड़ी नसर है, वाह वाह लंबी सारी नसर, पता की नसर है, नजरे अल्लाह ऐनी नसर सी ऐनी की करनी सी, नजरे अल्लाह नियाज हुसैन खोलिया हुसैन ने करबल चिराजे, नजर में अल्लाह दिया मेरी ओ नियाजे, अल्लाह नाल वेख जरा अल्लाह नाल वेख जरा रिश्ता हुसैन दा, शेर है मैं लिखिया जेड़ा मैं जनाबे बहलोल नू सुना के ते जन्नत ले लेनी, मैं एवें नहीं आख दिता, ओ मैनू याद नहीं बहलोल मैं इन्ना कि याद कीता होया, मैं इन्ना कि शौक नाल पढ़िया बहलोल नू कि मैं कदी नहीं आख्या मैं खमसा पढ़ सकदा या मैं अशरा पढ़ देंगा, आपको डेढ़ कु घंटा अगर मैनू खाली जनाबे बहलोल पढ़ना पै जाए मैं औखा सौखा होके लै जाऊंगा, नहीं मैं ऐ सुन लो तो ये बाद एक होर फरमाइश इन्ना ही नहीं, मैं अपने टाइम तो भी तकरीबन अद्धा घंटा लेट होया पे अगे जाना है, अल्लाह खैर करे मौला खैर, लेकिन मैं बिल्कुल कंजूसी नाल नहीं बिल्कुल कंजूसी नाल नहीं मैं पढ़ता पिया, ये तुहानू भी पता है जो बंदा कंजूसी करता तुहानू पता लग जाता है पुराने अजादार बैठे नवा नहीं सुन लगी, न्याजे मौला मैं आख्या मैं भी नहीं आख्या मैं बहलोल को जन्नत लै लैनी, चलो बहलोल दी ये अद्धे मिनट की एक गल सुन, वो किसी बंदे ने ना किसी तो कर्जा लिया तो वादा ये होया अगर तू टाइम ते मेरे पैसे वापस ना किते कर्जा वापस ना किता तो किलो गोश्त मैं तेरे जिसम नालों ला लैना, जे तू टाइम ते पैसे वापस ना किते किलो गोश्त मैं तेरे जिसम नालों, वादा हो गया ठीक है। लो जी वो वादे तो ना कुछ तीन चार दिन उत्ते लंघ गए, वो प्लेट ते छुरी हाथ च फड़ी फिरे, वो लभदा फिरे जिन्हों जिन को पैसे लैने, अच्छा वह तो उन्होंने लभदा फिरे जिन्हें पैसे ले वह अगों बहलोल लभदा फिरे, उन्होंने पता से भी वह ही है हूँ जरा मेरी जान छुड़ा सकता है। मुक्त सरकरा वो हारून रशीद दरबार इकट्ठे हो गए, बहलोल आख्या माजरा की बहलोल तो को पुछ ला मेरे नाल वादा किया अगर टाइम से पैसे वापस ना कर्जा वापस ना दिता तो किलो गोश्त देना पेगा, बहलोल ने पूछा हाँ भाई वादा इंज ही हो जी वादा इंज ही हो, बहलोल ने आख्या चल परेशान ना हो कुछ कर दे टेंशन ना लै, अब भाई फिर दस दौ वादा इंज ही होया ना जे टाइम ते
पैसे वापस ना दे ते किलो गोश्त जी बिल्कुल हाँ जी। बहलोल छुरी फड़ी आप उन्हें फड़ा चल मेरे सामने ला। वो परेशान हो गया तो हाथी मरवाण लगा मैं। बहलोल आके तेनू जाके परेशान ना अल फड़ भी छुरी उन्हें छुरी अच फड़ी। वो खुश हो गया भी मैं गोश्त लावगा। वो छुरी फड़ के अगे वध्या। बहलोल आख्या ला भी एक गल सुन ला मेरी। गोश्त का वादा होया जे खून का एक कतरा भी निकलिया तो मैं सिर ला देना ही। ए बहलोल ए बहलोल दाना मैं तो इंजा दर ना मलंगा दा कायदे आजम। सलामत रहो वसदे रहो। चलो तुसी सोना सुनते पे एक गल होर सुना देना की याद करोगे। एक गल होर सुन लो बहलोल दी। ओ किसे बंदे ने ना बहलोल नू मुखातब किया। दना साहेब बहलोल दना जी कारोबार करना चाहते हैं कोई मशवरा ही दो पैसे लाने। हुण मुखातब किवें कीता दना साहेब बहलोल दना जी। बहलोल अच्छा ठीक इंज कर काला कपड़ा खरीद लै जिन्ना भी हो सकता जिन्ना भी अपनी जमा पूंजी सारी बेच के काला कपड़ा। अच्छा बहलोल ने उन्हें क्यों आख्या। उस इलाके दे ना किसे सरदार ने मरना सी ते सारे ने सोग च काले कपड़े पाने इत्थे इन्हां दे नौकरे गल्लां जानदे ने इत्थे मालकां नूं सोचण दे ने। हद हो गई। अली यह कर सकता है अली यह कर सकता है की नहीं कर सकता है। माजरत नाल अली मनन वास्ते वे सोचण वास्ते नहीं हाँ ए सोचता है ए मनदा है इत्थे अली आंदा नहीं इत्थों जांदा नहीं। मैं होर पासे ना जावा उन्हें जनाब अपना जो कुछ वेच बचा के काला कपड़ा ओ तांगा ला लियो घर भर लिया घर काला कपड़ा। लो जी वो सरदार मरिया वो हूँ कुछ जड़ा काला कपड़ा दुकान तो पुछण जा उन्हें जी उतों ही लभना क्योंकि उन्हें सारा स्टॉक किया घर खरीद लिया सर कपड़ा उतों ही। वो दिनों च अमीर हो गया। वो जो अमीर होया दिमाग खराब हो गया। वो पैसे आ गए वो दिमाग खराब हो गया। वो ही हूँ दोबारा फिर बहलोल नू मुखातिब। ओ पागला ओ दीवानिया। बहलोल इंज वेखे किदे नाले में ओ मैं तेरे ना ओ दीवानिया गल सुन ओ पागला उरा यार तू बड़ा अच्छा मशवरा दिता ही मैं अमीर हो गया बड़ा पैसा आ गया अमीर हो गया एक मशवरा और दे। बहलोल आखे प्याज खरीद ले गंडे प्याज। उन्हें जो जमा पूंजी वेच के जना प्याज ही प्याज घर भर ले। अल्लाह की रहमत हुई बारिश हुई बर्बादी और मैं सदकी हो बर्बादी ले दौड़दा होया। ओ बहलोल ओ ऐ की मशवरा दिता है रातों रात मैं अमीर करता है रातों रात मैं सड़कों पर लैन दे ऐ की मशवरा दिता है। बहलोल आ क्या बर्बादी तो तू आपे लाई अपनी आज जो तू मैं पहले सद्या सी ना तुझे आख्या सी बहलोल दाना उदो दनाई वाला मशवरा सी हूँ तू पागल आख्या पागलों वाला मशवरा। एवें ते नहीं हर पासे चल जा हुसैन। लो खर्जी याद है ठीक हो गया आबाद रहो वसदे रहो। जेड़े शेर पढ़न तो पहले मैं गल्लां कीतियां न्याज़े मौला इमाम हुसैन बादशाह दा कम वेख उन्हूं भी आखना पै गया अल्लाह नूं भी आखना पै गया मेरे हुसैन बस ए कम तेरा है
खर्चा हुसैन दा हर पासे चर्चा हुसैन दा एवे नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा एवे नहीं हर पासे चर्चा हुसैन दा। बहुत ही पढ़े बानिया का हुक्म है, बहुत ही मुतद मेरा ख्याल 12-13 साल हो गए। अल्लाह जिंदगी करे अली रजा शेखपुरे कंबर साहब के मासे, वो मेरे तो पहले गुजरां वाले उन्हें मजलस पढ़ी तो मैं पिछे बैठा, मैं उन्होंने आख्या मैं अली रजा मेहरबानी कर मैनू दो शेर लिखवा दे। उन्हें मैं मैंबर ते बैठे लेके दिते। 12-13 साल हो गए मैं चंगी तरह याद है, नहीं तो 6 महीने बाद साल बाद कसीदे बदलते रहते, नवा तो नवा कलाम आता रहता, पढ़ते रहता। वाहिद कसीदा है जिंदी अज भी उस तरह ही फरमाइश होंगी, उस तरह ही सुनिया जाता है, उस तरह ही मोमिनीन पसंद कर। मेरी मुराद नबीए आसरा एक कुल जहान दा नबी दा आसरा इमा हुसैन दी खदीजा आमना ते हवा यासिया उन्हां दी पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा मरियम ये जान दीए जिलू रब चा वधावे जबरील जैंदे बुहे ते बिल पुछिया न जावे खातूली कोई यो जई सैन दी किवें हम सर बले जैंदे कदम उते रखे हुसैन सर ओ वारसे हयाए मां हुसैन दी नबीए आसरा अरशीवीए से बुहे ते झुकदे रहंदे ने सारे मुरसलवीए से बुहे ते रुकदे रहंदे ने सारे केड़ी वजह है मुहम्मद जिया प्यू भी उठदा रिया तू क्यों नहीं समझिया नबियां वास्ते खुदा दी बारगाह मां हुसैन दी नबीए आसरा जैन सैदी नाथ खान है अहले सुन्नत जमा, उन्हें एक शेर लिखे है जैन सैदी कमाल कर दी। उन्हें लिखा है होवे जो उम्मे अबीहा उंदा रुतबा की तोला ओ नूर ते मैं बशर हां उंदे बारे की बोला अल्लाह दा नूर सरवर दा सूर हैदर दा गुरु अजल तो अबद ताई महद तो लाहद ताई मैं कहना बेखता है मां हुसैन दी ओ मैं सच्ची अजल तो अबद ताई महद तो लाहद ताई मैं कहना बेखता है मां हुसैन दी नबीए आसरा। इस तो पहले मैं लाइन एक पढ़ी है ना केड़ी वजह
प्यो भी उठता रहा। सारे ने गौर की ना है केड़ी वजह मोहम्मद जहा प्यो भी अफसोस क्योंकि एक साले स्वादी मरहूमा दी साले स्वादी मजलिस इस वास्ते मैं चाहना बीबी दे थोड़े दुख सुना देवा। जनवास नबी उठदा हा एक नहीं दो नहीं पौने चार घंटे खड़ी रही है। पौने चार घंटे दे बाद बीबी रो किया दिया चाचा सलमान नानू आख मैं थक भावे एक मिनट वास्ते खड़ी रही है खड़ी तो जहरा ही रही है। मैं सरकार अल्लाह अकबर दो त्रै दुख पड़ने बीबी दे मेरा ख्याल तीसरी या चौथी मैं मुहर्रम च पढ़ी या एक दो दफा और पढ़ी है। मैं रवायत बहुत घट पढ़ता है और उलमाए दीन की तस्दीक है मैं उन्हीं देर मैं आप पढ़ी नहीं जब तक उलमाए दीन की तस्दीक ना हो। एक आलमे दीन सैयद जादे ने कराची दिन उन्होंने रवायत पढ़ी कि बीबी दियाँ पांच पसलियाँ टूट चुके हैं। ए रवायत एक किबला सैयदजादा एक अलामा मजलस बीबी दे दुख पढ़ता पे जो ए रवायत पढ़ी ना कि बीबी दियाँ पांच पसलियाँ टूट चुकी हैं मजलस दे विच एक बंदा बह के ना मुसलसल गिरिया कर रहे मुसलसल रो रहा है। उलामा साहब बयान कर दें कि मजलस ख़त्म हो गई मातमदारी शुरू हो गई वो बंदा उत्थे बह के रो रहा है मुसलसल गिरिया आदे मातमदारी भी ख़त्म हो गई लोग लंगर शुरू कर दिता वो बंदा उत्थे बह के मेरा घर वाले नाल उलामा साहब का मेरा घर वाले नाल ताल्लुक कई मैं काफ़ी देर बैठा रहा वेदा रहा मंजर उस बंदे आखिर मैं नहीं रह सकिया भज के आके ना बंदे दे गल च बाही पाई मैं क्या है मोमन मैं दस बीबी दे केड़े मुसाहब ने तड़पाया उस मोमन ने जवाब दिता अलामा साहब तुसा रवायत पढ़ी है बीबी दियाँ पांच पसलियाँ टुट चुकियां वो बंदा रो के आख लगा मोमन रो के आख लगा मैं हड्डियाँ का डॉक्टर हाँ मतलब मैं जानता जदि एक पसली टुट जाए सह लेना औखा होगा हुसैन की मां जींदी अल्लाह अकबर अजे बाबे दी कबर दी मिट्टी दा रंग तब्दील नहीं होया मुसैब दे पहाड़ टुट पैन उठदी बांदी बाबे दी कबर ती आई है बुजुर्ग पढ़ दी होंदे ने बैठी नहीं बल्कि झड़ पई कबर नू गल वखरी पाक वैन कर किया दिए उम्मत तेरी ने बाबा मैं कुबाऊ है सताया जिस दर ते रुकदा हावे उस दर नू जलाया जख्मी थैया इस जिंदगी कोलो बाबा मैं थक गया खुदा दा वास्ता बुला ले कौन तू बस इतनी इल्तजा है मां हुसैन सदके सदके मैं बिस्मिल्लाह करा हजार दफा नौकरा उम्मत तेरी ले बाबा मैं कुबाऊ है सताया जिस दर ते रुकदा खुदा दा वास्ता बुला ले कोल तू बस इतनी इल्तजा है मां हुसैन दी। मेरी
तवक्को तो ज्यादा मुसाहब सुन ले गिरिया बुलंद हो चुके न्याज मौला मैं किसी नु नज़रअंदाज नहीं करना चाहता तुहाडी मोहब्बत वास्ते अगर इजाजत देवो तो मैं दो जुमले पढ़ा ये तो सुनते रहते हो सज्जे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकती प्यू दे वसाल दे बाद जितनी देर जींदी रही है भावें जो सज्जे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ती लेकिन उस हाथ नाल गाजी दे चोले सींदी रही है। मैं सदका जिन्ना बुजुर्गों ने सुनया है उन्होंने अंदाज बुजुर्गों के अंदाज मैं अल्लाह मैं सदक्यों ने अगर इजाजत देवो तो बुजुर्गों के अंदाज दो जुमले पढ़ा भावें जो तस्बीह नहीं पढ़ सकती पर उस हाथ नाल गाजी दे चोले सींदी रही। अल्लाह अकबर आखिरी टाइम है मेरी सैन का बिल्कुल नज़दीक तो दो जुमले आखिरी टाइम है फिजा जी सैन मेरे वारस अली नु सद अली अंदर आएन बतूल क्यों सड़े बीबी आदि मैं लाजे दी मेहमान या अली मैं टुरी वैनी हाँ या अली मैनू पता लगा जो मदीने दे लोग पाकू सलाम नहीं कर दे उच्चा रुना अली जे इमाम रोकया दे बतूल गल वध गई है मैं सलाम करे ना लोग जवाब ले बीबिया दी या अली मेरे सामने बैठे मैं चंद गल्लां करनी या अली मैं लाजे दी मेहमान मैं टुरी वैनिया मेरिया चंद वसीत बतूला या अली मेरा जनाजा अध रात वेले चावे पहली वसीयत या अली मेरी दूसरी वसीयत जेड़े लोग मेरे बाबे दे जनाजे ते नहीं आए बतूल दे जनाजे ते भी ना मैं सद क्यों ना बुजुर्ग पढ़ते आते हैं अगली वसीयत सुन या अली चिट्टे डीकू घर ना ऐ सुनना लफ्ज बुजुर्गों का पढ़ है बतूल घर भी मेरा अपना मैं चिट्टे डीकू घर क्यों ना आवा या अली है जड़ी मेरी इज्जतां वाली धी है पहले जड़ा भी घर आ गयो मेरी कण दा ओला बन दी है ना मैं हो बीबी वसीता कर दी आई इंज दी वसीता अगलियां कीतियां मदीने की जलजला या अली ए वसीयत सुनी बुजुर्गों की पढ़ी या अली मेरे बाद शादी जरूर करें बतूल तेरे बाद ते शादी बीबी आदी है चुनी वनिया मेरी हम नाम फातिमा नाम कलाबिया खानदान दी या अली बड़ी वफादार है बतूल किमें पता लगा फातिमा कलाबिया वफादार या अली तेरी मामा दी कसम है जड़ा भी फातिमा मेरे घारा दी मेरा हुसैन पिंगे चौंठी बंद दुवे हाथ मत्थे ते रखिया दे मैं करबला दे गरीब सलाम मैं सदके मैं सदके दो त्रै मिनट होर अल्लाह अकबर मैं रस्ते च नहीं छोड़ना चाहता मैं सदक्यों आया बीबी वसीयत कर दी ए वसीयत सुननी बुजुर्गों की पड़ी हुई बीबी आदि या अली हाथ वधाओ वसीयत सुनना अली हाथ वधाए मेरी सैन ने हाथ ते कई शह रखी इंज हाथ बंद किते मैं सदक्यों आ जा इमाम गाफल नहीं होंगे इमाम नाज़िम कायनात हो गए इमाम तो जानते ये तुहाडे साढ़े तक गल्लां पहुँचावन वास्ते बतूल केड़ी शह ये जड़ी मेरी हाथ ते रखी है ये केड़ी शह बीबी आदि आई दी साब करे
ਪਿਓ ਵੀ ਹਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਰੁਮਾਲ ਰੱਬ ਉਮਲ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਡੇਸੀ ਬਣਿਓ ਦੇ ਆਬਾਜ਼ੂਆਂ रब उमर बनी नुकु पोतर डेसी बने यूं दे आबादुआ ठहरो ठहरो आखिरी वसीयत मैं सद क्यों आया ए अली नु वसीता मुकम्मल करके सैन सलाम कीते या अली नाराज ना होवे हुण हुजरे चो बाहर लगे वंजो मेरी शर्मा वाली धी नु भेजो मेरी मुसाफरा शाम नु भेजो आलिमा गैर मौलमा सैन अंदर आए अम्मा क्यों सड़ी आई बीबी फरमेंदन मेरी धी चंद वसीता तेरे बाबे नु कीती चंद गल्ला तेरे वास्ते अम्मा हुक्म कर बीबी रो क्या दिए मेरी पहली वसीयत मेरे बाद हसन दी शादी करें अगली वसीयत मदीने च जलजला बीबी आदी है मेरी अगली वसीयत हसन वास कफन एक नहीं दो बनावे बीबी आदी है मेनू मां दी वसीयत आयू वेले पता लगे जड हसन दे जनाजे ते ती और मैं सदके हसन वास कफन एक नहीं दो बनावे सुनना वसीयत ठीक है अम्मा अगली वसीयत बीबी आदी है मेरे बाद हुसैन दी शादी करें ठीक है अम्मा बीबी आदी है जेड़े वेले हुसैन दी शादी थी वन बीबी आदी है ताड़ा वीर हुसैन को जाए वेले रब देवी पुत्र सजा दे उंदी नाजक कंड ते कई वारी देवे बोसे माला उपवा के मैं ढेर सलाम दे दिए उपवा के मैं सलाम दे दिए उपवा के पैदल की वे तुर से बीमार हो उन्होंने मजलिस सुनी है बरेला उन सब की यहाँ जाते शरिया को पूरा फरमा बरेला आले मोहम्मद के सदके हम सब के ऊपर फजल फरमा हम सब के ऊपर करम फरमा हम सब की दुआओं को कबूल फरमा हम सब के रिस में खैर बरकत अता फरमा इस खानवादे के जितने मरहूमैन हैं सब के सगीरों कबीरों को नामा फरमा हाजी रशीद साहब और उनके बरदरान को से तंदुरुस्ती अता फरमा इस फैमिली की आल औलाद को नेक साले फरमा हम सब की दुआओं को कबूल फरमा वाली कायनात का जल ज़हूर फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़ियारत इमाम हुसैन अस्सलामु अलैया नबी अल्लाह अस्सलामु अलैया हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैया बैसुल हुदा अस्सलामु अलैया खातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अल मुरसलीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात अस्सलामु अलैया अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैया इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैया इब्न अमीर अल मोमिनीन सैयद अल वसीयीन अस्सलामु अलैया इब्न फातिमा अज़ ज़हरा सैयदत अन निसा अल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात अस्सलामु अलैया ग़रीब अल ग़ुरबा अस्सलामु अलैया ज़ुफ़ा अल फ़क़रा अस्सलामु अलैया निस अन नफ़ूस सैयल मदफून बे अर्ज़ तूस अस्सलामु अलैया सुल्तान अरब वल अजम व रहमतुल्लाहि व बरकात अस्सलामु अलैया साहिब अल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अस्सलामु अलैया खलीफ़त अर रहमान अस्सलामु अलैया इमाम इंस व जान बाबिल ईमान मज़हर अल ईमान अजर अल्लाह ताला फरज वसल्लल्लाहु मखरजक सब मोमिनीन से गुजारिश है हाजी रशीद साहब के वालदैन के लिए एक दफ़ा अलहम्द इन दफ़ा सूरह इख़लास की तलावत करें सिरात अल्लज़ीन अन्अमता अलैहिम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीयक अल-हुज्जत अली बिन अल-हसन सलावातुक अलैहि व अला बाइफी हाज़िर सा व फी कुल सा वलीयम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीला
वाइना तस्किना वरज़क़तुहुम व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। या इलाही, या इलाही जनाब।